अगर हम नेचुरल नंबर्स को इन्फिनिटी तक ऐड करें तो शायद आंसर भी इन्फिनिटी होगा, राइट? नहीं, लेकिन आंसर है -1/12। ये कैसे हो सकता है? शायद कोई ट्रिक हो, लेकिन नहीं। यहाँ तक फिजिक्स की स्ट्रिंग थ्योरी में भी आप देख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एन स्टार्ट फ्रॉम एन से इन्फिनिटी तक -1/12 है। तो ये कोई होकस पोकस नहीं है कि कोई ट्रिक है या कुछ है, ये रियल लाइफ में यूज होता है, फिजिक्स में यूज होता है। तो चलिए इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हो सकता है -1/12। तो पहले हम नेचुरल नंबर्स लिखते हैं 1+2+3+4+5 जो इन्फिनिटी तक जाएगा, और हमें प्रूव करना है कि -1/12। तो चलिए पहले S1 लेते हैं। ये सम क्या करेगा कि हम यहाँ पर 1 -1+1 -1+1 -1 ये करते करते इन्फिनिटी तक करेंगे। आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? देखिए, अगर आप ऑड प्लेस में रुकते हैं तो ऑब्वियस ये 1 होगा, लेकिन इवन प्लेस में रुकते हैं तो 0 होगा। 1 -1 0, लेकिन सिर्फ आप 1 ऐड करेंगे तो 1 होगा, राइट? तो अगर आप और जैसे कि यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं, 1 पे रुकेंगे, ऑड पे रुकेंगे तो 1, इवन पे 0। तो हम इसका एक समेशन ले सकते हैं जो हाफ आएगा, राइट? 0+1/2 ½। इसका भी अलग से प्रूव है, लेकिन वो इस वीडियो के स्कोप के बाहर है, फिर कभी हम उस पर वीडियो बनाएंगे। अब हम सम 2 लेते हैं, S2 लेते हैं, जो होगा 1 -2+3 -4+5 -6, और वो इन्फिनिटी तक जाएगा। और S3 जो है वो हमारा कॉमन प्रोग्रेशन है नेचुरल नंबर्स का, जो है 1+2+3+4, ये ऐसा बढ़ता जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम लेंगे 2 times of S2। तो वो क्या होगा, चलिए लिख के देखते हैं। 1 -2+3 -4+5, राइट? अब एक और S2 हम ऐड करते हैं इसी पर, लेकिन जस्ट नीचे ना लिख करके हम एक नंबर शिफ्ट करके उसको लिखेंगे, क्योंकि ये सीक्वेंस इन्फिनिटी तक है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जस्ट नीचे लिखें या एक नंबर छोड़ करके लिखें, राइट? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर वही रहने वाला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 1 है, -2+1 करेंगे तो -1 होगा, +3 -2 करेंगे तो +1 होगा, राइट? यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो हमने क्या किया, 2S2 लिया और थोड़ा सा उसको शिफ्ट किया। अब अगर हम उसको ऐड करेंगे तो 1 -2 1 -1 3 -2+1 -4+3 -1, और ये सीक्वेंस बन गया। अब याद है आपको ये क्या है, ये है S1 जो हमने शुरू में लिखा था, राइट? और उसकी वैल्यू है हाफ। तो 2S2 क्या हुआ, वो S1 हुआ और S1 है हाफ। तो इससे पता चलता है कि अब हम यही इक्वेशन यहाँ पर डालेंगे, 2S2 = ½, दैट इज S2 = 1/4, राइट? तो यहाँ ये प्रूव हो गया कि S2 जो है 1/4 है। अब हम लेते हैं S, याद है आपको नेचुरल सीक्वेंस, और S2। अब हम इन दोनों को माइनस करते हैं, तो हम लेंगे S - S2, राइट? तो S हमारा क्या है, नेचुरल नंबर्स के प्रोग्रेशन है। हम शायद उसको शुरू में S3 लिखे, तो वही समझ लिए, S3 S है यहाँ पर। तो 1+2+3+4 इन्फिनिटी तक जाएगा, और -S2 क्या है हमारा, वो है 1 -2+3 -4+5 इस सीक्वेंस में, राइट? तो हम वो यहाँ लिख देते हैं, 1 -2+3 -4+5, और ये सीक्वेंस इन्फिनिटी तक जाएगा। अब ये क्या होगा, देखिए 1 और -1 हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्यों? और यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2+2 हो जाएगा, फिर 3 - 3 0, ऑफ +4, वहाँ -4 है, लेकिन क्योंकि शुरू में माइनस हमने लगाया तो प्लस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 8, और 5 5 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 6 6 ऐड हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, और ये सीक्वेंस बढ़ता जाएगा। अब हम यहाँ पर 4 एक कॉमन डिनोमिनेटर है वो निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा,
वन प्लस टू प्लस थ्री, राइट, फोर इंटू वन फोर हुआ, फोर इंटू टू एट हुआ, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व हुआ, ये सीक्वेंस, तो हमने फोर कॉमन निकाल लिया है, तो फोर एस हो गया। हमारा एस क्या था, नेचुरल नंबर्स का इन्फिनिटी तक था, तो हमको ये पता चल गया एस माइनस एस टू, एस माइनस एस टू करेंगे जो कि वन बाय फोर था, तो हम यहाँ वन बाय फोर लिख लेते हैं, वो हो गया 4s। अब 4s को हम कैसे लिख सकते हैं, s प्लस 3s भी लिख सकते हैं क्योंकि ऐड करेंगे तो 4s ही होगा, दोनों साइड से ss हम हटा देते हैं, तो ये हो गया 3 नीचे चला जाएगा उधर, और 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, तो s क्या हो गया माइनस 1 बाय 12। और इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है, हेंस प्रूव। तो देखने में सुनने में बहुत अजीब लगता है, आप अगर बैठेंगे वन प्लस टू प्लस थ्री इन्फिनिटी तक करने में, आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आंसर निगेटिव आएगा, राइट। लेकिन ग्रेट मैथमेटिशियन यहाँ तक रामानुजन जो थे, उन्होंने भी यही प्रपोज किया था जब उन्होंने लेटर लिखा था हार्डी को, और ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था मैथमेटिक्स में। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यही बताइए कि हम किस टॉपिक पर और वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू।